नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। बस्ती में पुलिस ने एक एनकाउंटर में हिस्ट्री चीटर को वाहन के चोरी के लिए गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह एक मुठभेड़ में हिस्ट्री चीटर अपराधी संतोष सिंह गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चोरी का वाहन सहित एक अदद तमंचा, 12 बोर 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किया गया। पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 35 वर्षीय संतोष के खिलाफ करीब 21 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपी से एक अदद मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर UP51Y2225, एक अदद तमंचा, 12 बोर 2 अदद खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद हुआ है। बताया गया कि सोमवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शिवाकांत मिश्र की टीम व एंटी नारकोटिक के प्रभारी योगेश कुमार सिंह की टीम थाना क्षेत्र में वाहन चोरी व नकबजनी की घटनाओं के अनावरण के संबंध में आपस में विचार विमर्श करने के उपरांत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा 3 टीम बनाकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार कटरा की तरफ से आते दिखाई दिया। उसे रोकने की कोशिश की गई, परंतु वह तेजी से बांसी रोड की तरफ भागा। हालांकि हरदैया पर लगी चेकिंग के पास आरोपी फिसल गया, और जैसे ही संयुक्त पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने तमंचे से 2 फायर किए, जिससे कांस्टेबल नीरज पासवान के बाएं हाथ में छर्रा रगड़ते हुए निकल गया। फिर पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा के लिए फायर किया गया, जिससे बदमाश जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसके कब्जे से एक अदद चोरी के मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर UP51Y2225, एक अदद तमंचा, 12 बोर 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर आमर्स एक्ट IPC की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत मिश्र, योगेश कुमार सिंह, प्रभारी एंटी नारकोटिक टीम योगेंद्र नाथ, जनार्दन प्रसाद, सर्वेश कुमार, मनिन त्रिपाठी, कुलदीप यादव, रमेश गुप्ता, सर्वेश नायक, योगेंद्र यादव, सपन सिंह, त्रिदेव तिवारी, नीरज पासवान, अखिलेश यादव और अमरजीत सिंह शामिल थे। आखिर क्या होता है, डिजिटल मीडिया जाने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके।